गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज आप मौसम देख सकते हो कि क्या आज मौसम का हाल है। ऊपर आप बादल देख सकते हो कि कैसे बादल है। पूरा जो आसमान है वो बादलों से भरा हुआ है। आप लोग वहाँ पर पहाड़ी पर भी देख सकते हो कि कितने बादल हैं, और आसमान में भी देख सकते हो कि पूरा आसमान आज बादलों से घिरा हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अभी जा रहा हूँ ब्रश करने। ये आप देख सकते हो, ये मैं ब्रश करने जा रहा हूँ। नीचे आप हरियाली देख सकते हो कि क्या हरियाली है, क्या हरियाली हो गया है, क्या हरा भरा हुआ है आजकल। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे मौसम ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आ गया हूँ अपने बर्तन के पास। इसमें नीचे आप देख सकते हो मैंने पानी गर्म किया हुआ है, और इस पानी को हम अब निकालेंगे एक बाल्टी में। इसमें हम इसको डालेंगे और इससे अब हम नहाएंगे। पहाड़ों में ऐसे ही चलता है, पहाड़ों में ऐसे ही पानी गर्म किया जाता है और ऐसे ही इससे नहाया जाता है। ये मैंने पानी इसमें डाल दिया है, और अब हम इसको यहाँ पर लगा के रख देंगे वापस, और इसको ले जाएंगे बाथरूम में नहाने के लिए। ऐसे ही डेली मैं नहाता हूँ। ये हम आ चुके हैं रास्ते में, नीचे आप देख सकते हो, और नीचे आप सतलुज भी देख सकते हो, ये नदी भी देख सकते हो। और हमने जाना है नीचे, जहाँ पर आप सतलुज देख रहे हो ना, वहीं पर हमने जाना है। ये हम रास्ते में आ गए हैं, ये रास्ता है, और नीचे मेरा फ्रेंड है खड़ा हुआ। मैं आप लोगों को नीचे दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो कि इस तरह का रास्ता है। नीचे पहाड़ी से नीचे को उतरना पड़ता है, चलते चलते हम नीचे को उतर रहे हैं। आज हम बाइक पैदल जा रहे हैं, हम किसी गाड़ी में नहीं जा रहे हैं या फिर बस में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ पैदल जा रहे हैं। ये हम आ चुके हैं नदी के पास, जिसको मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। ये आप देख सकते हो नदी में ना बाढ़ आई हुई है, इसका पानी बहुत ज़्यादा हुआ है। ये हम पुल पर हैं, और नीचे आप देख सकते हो नदी का पानी कितना ज़्यादा हो गया। और ऊपर जो आप चोटी देख रहे हो ना, हम यहीं से आए हैं, यहाँ पर नीचे सतलुज के पास। नीचे आप देख सकते हो कि इस नदी में कितना ज़्यादा पानी हो गया है आजकल, और इसमें बाढ़ आई हुई है आजकल। अब मैं पहुंच चुका हूँ वापस अपने घर की ओर। ये आप देख सकते हो, और मौसम ना पहले से साफ हो गया है, जैसे सुबह था उससे तो साफ हो गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे मौसम में ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हीट अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ओके गए, तो ये है हमारा नकमट। ये देख सकते हो, ये है नकमट, ये मैंने हाथ में भी निकाला हुआ है। और आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, जिसको पढ़कर मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया। और मैं आप लोग को बता दूं कि उस आर्टिकल में जो भी लिखा है, मैं आप लोगों को श्योरली नहीं बता सकता हूँ कि वो 100% सही है या नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि ये नकमट जो होता है ये हजारों साल पुराना होता है। उस आर्टिकल के अनुसार ये हजारों साल पुराना है। ये कैसे बना, इसके लिए उन्होंने ये बताया है कि बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले, जो आप लोगों को पता है कि धरती पर बहुत ही बड़े बड़े जीव होते थे, वो सब ख़त्म हो गए, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आए, जैसे कि भूकंप, सुनामी, इस तरह के बहुत ही बड़े बड़े डिजास्टर हुए। उसकी वजह से जो जितने भी धरती पर जीव थे वो सारे ज़मीन के अंदर दब गए, जिससे आपको पता है कि सारे मर तो गए, लेकिन जो वो जीव थे वो बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उनकी जो हड्डियाँ ना वो ज़मीन के अंदर रह गई, जिसकी वजह से ये नकमट बना है। और जो नकमट होता है ना, ये उन जीवों की हड्डियों से बना है, वो जो जीव है उनकी हड्डियों से बना है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि उस आर्टिकल पर 100% विश्वास नहीं है। वो एक आर्टिकल टाइप का था जो मैंने गूगल पर पढ़ा, क्योंकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो उसमें वो आर्टिकल आया जिसमें लिखा था कि ये जो नकमट है ना वो उन जीवों की वजह से बना है, उन जीवों की जो हड्डियाँ है ना उसकी वजह से बना है। ज़मीन के अंदर बहुत सारे साइकिल हुए जिसकी वजह से ये नकमट बना है। लेकिन इस बात पर कितनी सच्चाई है ये मैं आप लोग को नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि इस बात में कितनी सच्चाई होगी। और बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि ये हड्डियों से ही बनता है, क्योंकि इससे कैल्शियम मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे कैल्शियम नहीं मिलता है। जितनी मेरी रिसर्च है उससे यही पता लगता है कि इससे कैल्शियम नहीं मिलता है, और ना ही ये खाने के लिए होता है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है खाने के लिए, क्योंकि ये अंदर जम जाता है, जिसकी वजह से ये अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम करता है। अगर आप ढेरों सारा बहुत सारा नकमट एक साथ खाते हो या फिर हर दिन खाते हो, तो ये आपको प्रॉब्लम करता ही करता है, ये बहुत ही बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम्स करता है। लेकिन कुछ मेडिसिन में इसका यूज़ भी होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ गैस्ट्रिक की मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है, थोड़ा जैसा ये होता है, जिससे आपकी गैस्ट्रिक ठीक हो जाती है और आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। कुछ मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है, अदरवाइज ये बहुत सारा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है।
मैं आप लोगों से बस पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, ये सच में हजारों साल पुराना नकमट होगा? मुझे तो नहीं लगता, बाकी कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है ये मैं आपको नहीं क्लियर बता सकता, क्योंकि मुझे भी इसकी हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। मैंने इसके बारे में सर्च किया और ये सर्च लिस्ट में आता ही नहीं, बहुत ही रेयर आता, बहुत ही कम आता है, और इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि जैसे हमारे स्लेट पेंसिल के पत्थर निकलते हैं और मुल्तानी मिट्टी मिलती है, वैसे ही ये नकमट मिलता है, ये ज़मीन से ऐसे निकलता है। लेकिन ये कैसे बनता है ज़मीन में वो मुझे नहीं पता, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। और उस आर्टिकल के अनुसार ये हज़ारों साल पुराना है और हज़ारों साल पहले ये बना हुआ है। आप लोगों को पता है कि बहुत पहले इसमें बहुत सारे डिजास्टर हुए हैं अर्थ पर, जिसकी वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ है। और जब इसकी माइनिंग की जाती है, जब ये नकमट को निकाला जाता है, बहुत बड़े बड़े इसके पत्थर होते हैं उनको निकाला जाता है, उसके बाद ये तोड़कर ये नकमट बनाया जाता है। और जब वो पत्थर निकलता है तो उसका पता नहीं होता है कि वो कितने साल पुराना है और ये वो कब का है, लेकिन उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, क्योंकि वो बहुत ही पुराने ज़माने का लगता है। वो ज़मीन में बहुत ही नीचे होता है, इसलिए लगता है कि वो बहुत ही सालों पहले का होगा। वहाँ से लग सकता है कि ये जो नकमट है ये हज़ारों साल पुराना होगा और ये शायद होता होगा, लेकिन इस बात के बारे में मैं आपको 100% नहीं बता सकता कि ये जानवरों की हड्डियों से बनता है, क्योंकि इसके बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये नकमट कैसे बनता है। लेकिन अब जाकर ये नकमट बहुत ही ज़्यादा बिकने लग गया है, लोग इसको बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं और बहुत सारे लोगों को ये पसंद आता है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके वहाँ ये बहुत पहले से ही मिलता है, और मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे यहाँ तो ये मिलता ही नहीं है। मैंने इससे पहले इसका नाम भी नहीं सुना था, मैंने तो तब सुना जब मैंने इसकी वीडियोस देखी, तब मुझे पता लगा कि ये नकमट भी कुछ होता है। इससे पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि नकमट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो नकमट खाने में टेस्टी लगता है, बहुत सारे लोगों का कहना ये है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नकमट में कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ये टेस्ट लेस होता है। इसका टेस्ट आपको तब आता है जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, या आपको पिकर डिजीज होती है, या फिर आपको इसकी खाने की आदत लग चुकी है, उसके बाद आपको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है, अदरवाइज इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहता हूँ कि ये नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है हमारे लिए। सिर्फ छोटा सा टुकड़ा, जब आपको एसिडिटी होगी तो इसको थोड़ा सा आप खा सकते हो, ये एसिडिटी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ऐसा गूगल पे लिखा हुआ है। गूगल के अनुसार ये एसिडिटी में फ़ायदेमंद होता है। इसको बहुत सारा नहीं खाना है, जितना आप लोग खाते हो, डेली खाते हो, बहुत सारा खाते हो वो नहीं खाना है, ये शरीर में जम जाएगा, जिसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर देगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करके रख दो, और नीचे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख दो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, और नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है कि ये हज़ारों साल पुराना नकमट होता है और ये जानवरों की हड्डियों से बना है। आप लोग जरूर से मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दो वीडियोज़ आ रही होगी, आप किसी एक वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो और कुछ और नया जान सकते हो।